हेलो। तो चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो DPP है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज, है ना। क्लास में इतना टाइम मिलता नहीं है कि पूरा का पूरा DPP डिस्कस कर सके, तो DPP हम यहाँ ऑनलाइन वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे और इसी बहाने यूट्यूब पे 4 व्यूज़ आ जाएंगे, है ना। 2-4 सस्ता फेम मिल जाएगा, कुछ लोगों का व्यूअरशिप मिल जाएगा, तो ऐसे धीरे धीरे धंधा आगे बढ़ेगा। तो चलो फिर जो DPP दे रखे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और DPP अपना किधर है ढूंढना पड़ेगा, है ना। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का DPP सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है, कह रहा है सारा चीज़ ओके है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इफ द वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर अलॉन्ग द लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्सिस इज 4 मीटर, वॉट इज द वैल्यू ऑफ ई, है ना। वर्क डन अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है ना। देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इज द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम तो 2 मीटर डिस्टेंस लाइन अराउंड 60 डिग्री इज 4 जूल, है ना। व्हाट इज द वर्क डन, अच्छा वर्क डन अपने को दे रखा है, वर्क डन क्या दे रखा है, वर्क डन दे रखा है 4.0 जूल, ठीक है। समझ में आ गई बात। DPP कौन सा DPP के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, DPP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, DPP नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि वर्क डन जो है अपना कितना है, 4.0 जूल है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर कुत्ता का बच्चा पे हमला हो गया है और वो आवाज़ तुम लोग तक आ रहा होगा, तो इसका कुछ उपाय करते हैं, है ना। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, मामला जानलेवा हो गया बच्चे पे। एनीवे है ना। और इसमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपना एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और चार्ज का जो वैल्यू दे रखा है वो चार्ज का वैल्यू कितना है, 0.2 कूलम पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है 0.2 कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा या मूव करेगा। और डिस्टेंस जो मूव कराया है वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है 2 मीटर का। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस मूव कराया है वो 2 मीटर का है। और वैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं फोर्स वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, एफ डॉट डी एस होता है। और इसको जैसे ही ब्रेक करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा आ जाता है। अच्छा फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स क्यू इंटू ई लग रहा होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक्स डायरेक्शन में ये नीचे देख लेते हैं ना। और वैसे उतना कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो वर्क डन जो है अपना 4.0 जूल, है ना। फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स होगा क्यू इंटू ई। तो सीधा पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो डी। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। और वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं, फोर क्यू का वैल्यू 0.2 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, डिस्प्लेसमेंट 2, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, 2 2 कैंसिल, तो 4 × 0.2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 40। और ये कैंसिल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया, 20 न्यूटन पर कूलम। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। सिंपल सा फंडा है, कोई जानलेवा तो नहीं हो गया मामला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे हम लोग। जिनके पास DPP नहीं है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो है ना दूसरे ऑडियंस है जो मेरे पास ऑफलाइन में नहीं पढ़ते हैं, उन गरीबों के लिए ये बात कहा जा रहा है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अपना फंडा ये है कुछ कि फोर चार्ज है ना, क्यू चार्ज है, चार चार्ज है क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। चार चार्ज ये लो, स्क्वायर बनाते हैं पहले, है ना।
क्लियरली दिख रहा हो शायद, है ना। चार स्क्वायर बना लिए, ठीक, एक स्क्वायर बना लिए, और चार चार्ज कैपिटल क्यू, है ना, इक्वल चार्ज कैपिटल क्यू, और ये भी अपना कैपिटल क्यू एट द कॉर्नर ऑफ ईच साइड ए। और जो साइड बहुत जानलेवा हमला हो रहा है बच्चों, मतलब कुत्ते के बच्चे पे, है ना, कूटा जा रहा है। आवाज तो आ ही रही होगी तुम लोगों को, अब क्या कर सकते हैं। रात दिन में इंसानी बच्चों पे हमला होता है, रात में जानवर के बच्चों पे हमला होता है, यही चलता है दुनिया। एनीवे, अब है चार इक्वल चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड ऑन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, साइड दे रखे हमें। वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन रिमूविंग अ चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द सेंटर टू इन्फिनिटी। देखो, सेंटर से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा अपने को। अच्छा, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे चार्ज जो था कितना था, माइनस क्यू, तो अपने को कितना वर्क करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव कराना है ना। देख लेते हैं, वर्क डन इन रिमूविंग, अपने को ही करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क मतलब क्यू नॉट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये अपन जानते हैं, है ना, अपने को सेट भी हो चुका है दिमाग में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एक्सटर्नल वर्क क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट का वैल्यू क्या है, माइनस क्यू है, और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, साइड में हम वी फाइनल निकाल लेंगे। अच्छा देखो, फाइनल पोटेंशियल जो होगा सारे ही चार्ज की वजह से इन्फिनाइट, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के Q1 बाय R, किसी Q1 चार्ज के वजह से डिस्टेंस, अगर पोटेंशियल निकालना है किसी R डिस्टेंस पे तो K Q1 बाय R। अच्छा, फाइनली जो है इन्फिनाइट में जो पोटेंशियल होने वाला है वो जीरो होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात है, समझ में आ गई बात, कोई जानलेवा तो नहीं हो रहा मामला। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल निकालेंगे, तो इनिशियल पोटेंशियल कहाँ पे, सेंटर का पॉइंट O दे देते हैं, O पे तो कितने चार्ज है अपने पास, एक दो तीन चार, चारों चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेट करेंगे अपन यहाँ पे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, और अपन देख रहे हैं चारों चार्ज जो है सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, और साइन भी सेम है ना, और डिस्टेंस भी चारों चार्ज का सेम है, तो किसी एक चार्ज का वैल्यू निकाल लेंगे, तो चारों चार्ज किसी एक चार्ज की वजह से अगर अपन पोटेंशियल निकाल लेंगे तो चारों चार्ज की वजह से आ जाएगा, है ना, जानलेवा तो नहीं हो रहा मामला। तो अपन एक की वजह से कर लेते हैं, किसी एक की वजह से V1 कर देते हैं, और हम लिख देते हैं ना, कुछ गरीबों को समझ में नहीं आएगा, आए हाय चारों चार्ज का एक साथ कैसे हो गया, हमको नहीं जमगा, तो लिख लो चारों का क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल दे रखे है ना, तो इक्वल हो जाएगा। तो V1 का वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होने वाला है, फॉर्मूला KQ बाय R, है ना, R, और R कितना होगा डिस्टेंस, ये पता है अपन पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ये A/2, ये A/2, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A/2, देखो ऐसे कर लो, ये टोटल कितना हो गया, A/√2, तो ये कितना होगा, A/√2 हो जाएगा, सिंपल सिंपल सी बात है, तो अपना पोजीशन क्या आ गया, A/√2 हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो V1 को कैलकुलेट करेंगे अपन, K का वैल्यू 9 × 21, इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को K के टर्म में ही आंसर आएगा है, या ऑप्शंस में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन के टर्म्स में दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन K का वैल्यू होता है, और कैपिटल Q और पोजिशन जो दे रखा है वो कितना है, A/√2, है ना, ये अपना थोड़ा क्यू के तरह दिख रहा है, उसको हम ठीक कर लिए, है ना। अच्छा देखो, ये वी क्या है, V1 है, तो ये ऊपर जाते हैं क्या हो जाएगा, √2Q/4π ε0 A, फर्जी है, कोई मुश्किल तो है नहीं। अच्छा, चार चार्ज है तो चारों की वजह से सारा का पोटेंशियल सेम है, तो वी एट ओ कौन सा फो, इनिशियल वाला, है ना, ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ V1, 4 टाइम्स ऑफ V1 का वैल्यू कितना दे रखें, K³/4π ε0 A, अगर तुम चाहो तो ये 4 और 4 कैंसिल कर सकते हो, तो V अपने किसको, V0 जो क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ये किसके बराबर है, इनिशियल है, और फाइनल तो अपना 0 आ रखा है इनफिनाइट पे, है ना, V इनफिनाइट पे, ये देखो 0 आ रखा है, तो एक्सटर्नल वर्क जो होगा वो कौन से चार्ज को, माइनस क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं ना, तो माइनस क्यू, है ना। फाइनल पोटेंशियल कितना होना है, फाइनल पोटेंशियल तुम्हारा इन्फिनाइट होना है, तो 0 होना है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना दे रखे हैं, √2Q/π ε0 A। अच्छा, अपन माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2Q²/π ε0 A, जानलेवा तो नहीं हो रहा मामला, फर्जी है ना, तो अपन देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है,
है ना। कुछ लोगों को अगर हिंट्स देते ही चमकने लग जाता है तो सॉल्व कर लिया करो, म्यूट करके, स्क्रीन की तरफ मत देखना, म्यूट करके सॉल्व करो, है ना। ये नहीं है, ये तो हो गया आसान है, फर्जी आगे बढ़ा दो। और इसमें क्या हो जाता है, वॉच टाइम खराब हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत मेरे गरीबी पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।